तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर मल्टी क्रोम्स को कैसे ओपन कर सकते हैं और अपनी यूट्यूब वीडियोस का वॉइस टाइम जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस आपने वीडियो कंटिन्यू जरूर देखना ताकि आपको मुकम्मल स्टेप्स की समझ आ सके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं वीडियो के चैनल पर, बात करते हैं कि हम अपनी यूट्यूब वीडियोज़ का वॉइस टाइम कैसे जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कर सकते हैं। सो गाइज़ इसमें बेसिकली मोबाइल पर ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वर्क करता है मल्टी क्रोम्स का, लेकिन मैं आपको मोबाइल की एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक टाइम पर 20 से 40 स्क्रीन अवेल कर सकते हैं, यानी 20 से 40 ब्राउज़र एक टाइम में आप ओपन कर सकते हैं और मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो को प्ले कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। यहाँ से सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है मल्टी ब्राउज़र। मल्टी ब्राउज़र आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाली एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, तो आपने सिंपली इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर देना है, ठीक है। तो जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, यानी इंस्टॉल होने के बाद इसका जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने टैब टू इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर आपको एक ब्लू फंक्शन में देखने के लिए मिल रहा है अवेल मोर स्क्रीन्स, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने सिंपली अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करके यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन एक्सेस करनी है। आप 20 करना चाहते हैं, 40 करना चाहते हैं, मैं आपको 20 करके दिखाता हूँ। तो आपने ज़्यादातर 20 ही करनी है ताकि जो इंटरनेट है ना थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आपकी 20 स्क्रीन्स टाइम बाई टाइम प्ले होती रहेंगी, तो एक टाइम में भी आपकी प्ले हो जाएंगी। ये आप डिपेंड आपके इंटरनेट पे कि अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आप एक वक्त में 20 स्क्रीन्स पर अपनी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है रीलोड इन मिनट्स, यानी अगर आपकी वीडियो 5 मिनट की है तो आप कम से कम यहाँ पे 7 मिनट दे दें, और अगर 4 मिनट की है तो आप 5 मिनट दे दें। इस तरह एक मिनट आपने फालतू इसलिए देना है ताकि जब आप वीडियो को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं तो थोड़ा सा रीलोडिंग में भी टाइम हो जाता है और थोड़ी बाज़ूकात नेट स्लो हो जाता है, उसमें वीडियो रीलोड होनी शुरू हो जाती है। सो इसलिए यहाँ पे आपने अपनी वीडियो से एक मिनट आगे यहाँ पर रीलोड इन मिनट्स में लिखना है, यानी अगर मेरी 5 मिनट की वीडियो है तो यहाँ पे मैं 6 मिनट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने वीडियो का जो URL है वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना, और यहाँ पे स्टार्ट रिफ्रेश ऑल, यानी आपकी वीडियो प्ले हो जाएंगी जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन आपने वीडियो प्ले करने के से पहले एक छोटा सा काम कर देना है। वो काम क्या है कि आपने इस तरह करना है कि अपनी जो अगर आप अपने मोबाइल से देख रहे हैं वीडियो तो आपने VPN को लाजमी इंस्टॉल कर लेना है, और VPN के लिए कंट्री कौन सी सिलेक्ट करनी है वो आपने करनी है एशिया की कोई कंट्री, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश कर सकते हैं, नेपाल कर सकते हैं, यानी अगर आपकी वीडियो बाद में यूट्यूब रिकमेंड करे तो वो इन्हीं कंट्री के लोग के पास जाए ताकि आपकी वीडियो पर जो है ना व्यूज़ आते रहें। अब अगर हमारी वीडियो किसी यूनाइटेड नेशन के मतलब अगर अमेरिका में सेलेक्ट करते हैं, कनाडा, हंगरी, इस तरह के मुल्क में, तो वहाँ पर हमारी वीडियो का देखने के कोई मतलब ही नहीं है, यानी हमारे सबटाइटल्स, हमारे थंबनेल्स, हमारी ज़्यादातर वीडियो उर्दू में होती हैं। तो इसलिए आपने एशिया के किसी कंट्री को सेलेक्ट करना है जहाँ पर बाद में यूट्यूब अगर आपकी वीडियो को रिकमेंड करे तो वहाँ पर से भी व्यूज़ आते रहें। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे